खड़ा हो जाता है हमेशा ऐसे। बाद में पता चला कि सामने में एक लड़की है जिसको लाइन देने के लिए वहां पे जाता है लौंडा। तो गाइस मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि आजकल के लौंडे किस तरीके से परफ्यूम लगाते हैं। पहले एक लगाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, दोनों में को मिला के तीसरा लगाते हैं। यह परफ्यूम जो बिल्कुल लगभग लगभग फुल है, अब देख लो एक दो और आप लोगों को ये परफ्यूम की जो है खुशबू आई होगी, वहां तक पहुंची होगी, क्योंकि काफी ज्यादा उड़ा दिया मैं तो भैया। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, गले में बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि ये रूम फ्रेशर को भी उड़ा दिया था मैंने। संजय आप लोग देख रहे हैं आई ब्रांड वॉर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग जो है राहुल के रूम पे है फिलहाल, हमेशा ज़्यादातर हम आजकल राहुल के रूम पे रहते हैं और काफ़ी बोरिंग हो गए थे घर में हम अपने, तो हमको लगा कि भैया आप राहुल के रूम पे जाना चाहिए। तो मैं कल आया था एक्चुअली और सतीश जा चुका है घर, राहुल अकेला है एक्चुअली। अभी मैंने ना ये दो तीन परफ्यूम उड़ा दिए जिसकी मैं उल्टा कर रहा था, मेरे मुँह पर आ गया एक्चुअली ये परफ्यूम, उल्टा कर रहा था और दो तीन परफ्यूम मैंने ख़राब कर दिए यहाँ पे, तो जिसकी वजह से रूम में बिल्कुल पूरा सांस लेने में दिक्कत आ रही, गले में बहुत दर्द हो रहा है। बट इट्स ओके, आप लोग अपने घर में होंगे, स्वच्छ होंगे, जिसका ऑफिस खुल चुका है ऑफिस गए होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी आप लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोरोना वायरस तो चलता रहेगा, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा सब कुछ। क्या साइन फ्लू नहीं आया था? क्या साइन फ्लू आया था, उसका भी इलाज हुआ बाद में, और डेंगू आया था, डेंगू से भी, इवन मैं खुद डेंगू का जो है पेशेंट रह चुका था जब फर्स्ट टाइम पे डेंगू हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पे शायद दवाई ववाई भी नहीं थी, बाद में आई थी दवाई। तो जब फर्स्ट टाइम पे डेंगू हुआ था इंडिया में तब मैं भी उसका पेशेंट था एक्चुअली। तो ये कोरोना से ज़्यादा डरना नहीं, हाँ सेफ्टी इस फर्स्ट इंश्योरेंस सेफ्टी पे लगे रहो, बट अपने आप जो अपना काम है उस चीज़ को रोको मत। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो अपना काम है काम को नहीं रोकना, क्योंकि यार ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि हम कोरोना के इर्द गिर्द ही नहीं रह सकते हैं, तो ये सच है, तो आप लोग मजे लीजिए। तो गाइज आप लोग बताओ आप इस क्वारंटाइन में कहाँ कहाँ फंसे हो और कहाँ कहाँ जो है अभी क्या कर रहे हो आप लोग, और आजकल क्या काम कर रहे हो, आपका ऑफिस खुला या नहीं खुला, आपका कॉलेज खुला या नहीं खुला, या आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका ऑफिस टाइम कैसे चल रहा है, आपका घर में बैठा हुआ लॉकडाउन टाइम कैसे चल रहा है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। एक्चुअली हमेशा ना सुबह सुबह उठ के राहुल जो है यहाँ पे जाया करता था, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जाता था, बोलता था मैं बाहर जा रहा हूँ वर्कआउट करने, यहाँ पे खड़ा रहता था। वर्कआउट बोल रहे हैं आप लोग जो ये पीछे की ये दिख रहे हो वो जस्ट सामने है मेरे डीएलएफ का अमेरिकन एक्सप्रेस का बिल्डिंग, और यहाँ पे हमेशा खड़ा रहता है सुबह आके, सुबह पहले उठेगा, उठने के बाद सीधा जाके इस जगह पे ये खड़ा रहता है बाहर जस्ट गेट के सामने। और मेरे को लगा ये यार क्यों खड़ा हो जाता है हमेशा, ऐसा कुछ ना वॉक करता है, ना कुछ करता है, ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह। बाद में पता चला कि सामने में एक लड़की है जिसको लाइन देने के लिए वहाँ पे जाता है लौंडा। जब ये मेरे पास आता था बोलता यार मुझे ना एम जी रोड की बहुत याद आ रही, मैंने बोला क्यों, वहाँ क्या है तेरे रूम पे जो हमेशा तुझे याद आती। आज पता चला कि भाई यहाँ तो यहीं तो है सब कुछ, इसके चक्कर में जो लॉकडाउन हुआ ना, इस लॉकडाउन में आधे से ज़्यादा लोग हम एक्सपायरी जो आउट जो एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें खा के, एक्सपायरी चीज़ें खा के हम ऐसे बीमार हो सकते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें हैं जो, जैसे कि मैंने बोला कोक हो गया, हर चीज़ में एक्सपायरी है, हर चीज़ में एक्सपायरी हो रही है। तो क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है, हर किसी के साथ हो रही होगी, बस फर्क इतना है कि मैं उन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, मैं बार बार देखता हूँ उन चीज़ों को, मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये वैलिड है या नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिए उसके बारे में, और आप लोगों को ये भी कहना देना चाहूँगा कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी और मैं किसी की यहाँ पे किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, जो रियल था वो रियल था। अभी कहना चाहूँगा कि एक बार कोई भी सामान खरीदते हैं तो
प्लीज़ उसकी एक्सपायरी डेट देख लीजिए, अगर उसमें कोई भी खराबी है तो उसके कस्टमर केयर को फ़ोन कीजिए और बोलिए कि आपका जो प्रोडक्ट है इस तरीके का मुझे मिला, इसका क्या करना बताओ। अगर गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।